हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट डे का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे टीन टाइटंस के विलन्स का एक अहम रोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डेथ स्ट्रोक को अपने अल्टर ईगो और अपने सुपर विलन फॉर्म में, जहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, पूरी दुनिया को लगता है कि वो मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और उन्हें लगता है कि जो मुझे वो बुलाते हैं जैसे कि मर्सिनरी, असैसिन और टर्मिनेटर, लेकिन वो मुझे अब भी नहीं जानते, उनमें से कोई भी नहीं, लेकिन वो जल्द ही मेरे बारे में जान जाएंगे। मैं हूँ स्लेड विल्सन। और यही से ये कहानी शुरू हुई है। तभी हम देखते हैं इवी टाउन में पेट्रेट पार्क पर, जहाँ पर एटम पर एक सुपर विलन हमला करता है, और वहाँ पर एटम हमसे कह रहा था कि मेरा नाम है रैंचोई, मैं रे पाल्मर जैसा ही एटम हूँ, और रे पाल्मर जैसे ही मेरे पास भी कुछ क्रेजी प्लांट विलन है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक सुपर विलन एटम से लड़ रहा था, इसका नाम था फ्लोरोनिक, और उसकी पावर्स थी कि वो सारे प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकता था, और वो एटम को मारने के बाद पूरे इवी टाउन पर कब्जा करने वाला था। तभी उसके चंगुल से छूटकर एटम एक गैस पाइप लीक करता है और उसके सामने आग जलाकर वो उस फ्लोरोनिक को जला देता है। एक घंटे बाद वो अपने उस हीरोइक काम से दूर जाता हुआ सोच रहा था, एक और दिन एक और साइको के साथ, इस ईवी लीक फिजिक्स में पूरा दिन मेरा चला गया। लेकिन अभी भी एक साइकोज का ग्रुप बाहर खुला घूम रहा है, ड्वार्फ स्टार, जिसका नाम था ड्वार्फ स्टार। वो आगे कहता है, और मुझे उसे पकड़ना होगा इससे पहले वो और लोगों को मार दे। मैं जब हीरो बना तब मैं अपने दोस्त को बचाने में नाकामयाब साबित हुआ, जिसका नाम था पांडा पॉटर, और उसकी मौत की वजह मैं था, लेकिन मैं थोड़े दिनों बाद उसी की गर्लफ्रेंड के प्यार में पड़ गया, और आगे मेरे सामने आया एक ग्रेटेस्ट चैलेंज, एक ऐसी जिंदगी बसर करना जैसे कि रे पाल्मर बसर करता है, एक ऐसी जिंदगी गुजारना जैसे कि रे पाल्मर करता है, एक एटम की तरह। और अब हमारा प्लान यही था कि वही काम करना और वही डिफरेंस लाना इस सोसाइटी में जैसा कि रे करता है, और अब बहुत सारा काम करना है। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तब वो देखता है डेथ स्ट्रोक को, जो कि उसके ऊपर गन पॉइंट करके वहीं पर बैठा हुआ था, और वो कह रहा था, माफ करना बच्चे, ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। डेथ स्ट्रोक यानी कि स्लेड विल्सन्स, जिसकी पावर थी हाइटेंड स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस, उसे देखते ही एटम अपना साइज चेंज करता है और भागने लगता है, लेकिन वो देखते ही डेथ स्ट्रोक दूसरा फेज शुरू कर देता है। यहाँ पर एटम सोच रहा था, जिसने पूरे जस्टिस लीग को लगभग हरा कर जीत चुका था, वो मेरी तरफ गन पॉइंट करके क्यों बैठा है, और वो नीचे जाकर जेएल बीकन दबाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई पैर रखने वाला था, जैसे तैसे वो उससे छूट जाता है, और तब वो देखता है कि वो थी चशीरा, जो कि है जेड, इसकी पावर से मार्शल आर्ट्स, मार्क्समैन और एक्सपर्ट इन पॉइजन, और तब वो अपने सेक्सी अंदाज में उससे कहती है, हेलो लिटिल मैन और गुड बाय लिटिल मैन। और हमें रोमानिया में 6 हफ्ते पहले का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर जेड कुछ लोगों से लड़ रही थी, जहाँ पर पहले तो वो लोग उस पर भारी पड़ते हैं, लेकिन डेथ स्ट्रोक के आने के बाद वहाँ का नजारा पलट जाता है, और 30 सेकंड के बाद डेथ स्ट्रोक और जेड दोनों ही मिलकर उन सभी को मार देते हैं। तब जेड कहती है कि मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, लेकिन वो कहता है, लेकिन मुझे तुम जिंदा चाहिए थी, एक टीम के लिए, एक मिशन के लिए, जिस पर पहले तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन वो आगे कहता है, तुम जब से अपनी बेटी को खो चुकी हो तब से तुम बौखला गई हो, और तब से तुम यही सब कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से परमानेंटली बाहर निकाल सकता हूँ। और इतना सुनने के बाद वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। और अभी रेंस के हाउस में अभी का वक्त चल रहा था, जहाँ पर एटम उससे फाइट कर रहा था, और वो श्रिंक होकर वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी टैटूड मैन उसे पकड़ लेता है, जिसका असली नाम है मार्क रिचर्ड्स, और जिसकी पावर्स है उसके टैटूज को रियल लाइफ में लाना। यहाँ पर गिरने के बाद एटम सोच रहा था, डेथ स्ट्रोक, चशीरा और टैटूड मैन, ये तो ऐसा लग रहा है कि इनजस्टिस सोसाइटी ट्राई आउट मेरे ही ऊपर छलांग लगा रहे हैं, लेकिन अगर यही केस है तो फिर डेथस्ट्रोक इसे इतनी आसानी से क्यों ले रहा है, मुझे इन्हें डाउन करना होगा इससे पहले कि ये एक साथ मिलकर मुझे ही डाउन कर दे। और ऐसा होने ही वाला था कि तभी एटम फिर से श्रिंक होकर उन सभी पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन टैटूड मैन उसे कहता है, मैं इसे इससे भी जल्दी निपटा सकता हूँ। लेकिन एटम की तरफ देखते हुए वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है लिबर्टी हिल में 3 महीने पहले, जहाँ पर टैटूड मैन की वजह से एक की मौत हो चुकी थी, और वो लड़की उसे ही उसका जिम्मेदार मानकर वहां से चली जाती है। और तब हम देखते हैं लियन रिचर्ड्स की कब्र को,
यहाँ पर डेथ स्टोक आता है और वो कहता है कि उसका कहना सही है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इस सब के लिए। तब टैटूड मैन उसे गाली देता है, लेकिन डेथ स्टोक उसे भी अपनी बातों में उलझा कर अब उसे भी अपने साथ मिला लेता है। और हम वापस लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ, जहाँ पर एटम पर वो तीनों ही अटैक कर रहे थे और एटम उन सभी पर, और देखते ही देखते एटम एक करंट लाइन के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर अमांडा अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने रे को देखा है, लेकिन वो उसे लंबा चौड़ा भाषण देती है कि वो रे से ना मिले, जिस पर अमांडा का कहना था कि वो एक हीरो है, वो हम जैसे लोगों के लिए रात दिन लड़ता रहता है और ऐसे ऐसे विलन से निपटता है जिससे उसे जान का खतरा हो। और इतना कहते ही हम दूसरी तरफ देखते है कि यहाँ पर करंट लाइन में एटम घूम रहा था और एक ब्रिज की तलाश कर रहा था, लेकिन तभी माइक्रोसोनिक्स की वजह से वो अपना आपा खो देता है और वो कहता है, माइक्रोसोनिक्स ये मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एक मिनट के अंदर ही लिक्विफाई कर देंगे। डेथस्ट्रोक अपने काम में बहुत माहिर है, बहुत ही ज्यादा माहिर। यहाँ पर जैसा कि डेथस्ट्रोक ने सोचा था वैसे ही एटम को बाहर आना पड़ा था, लेकिन आते वक्त वो जेट और टैटूड मैन को एक जबरदस्त पंच करता है, लेकिन तभी एटम पर एक दूसरी तरफ से हमला होता है और तब वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर वो कहती है, मैं हूँ सिंडर, जिसका नाम था कार्ला मोरेटी और जिसकी पावर्स थी हीट मैनिपुलेशन और वो खुद को मोल्टन लावा में ट्रांसफर कर सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं उसका फ्लैशबैक रोम में इटली एक दो हफ्ते पहले, जहाँ पर एक आदमी को मारने के लिए वो उसके बिस्तर तक पहुँच चुकी थी और यहाँ पर डेथस्ट्रोक उसी पर निशाना लगाए उन लोगों की बातें सुन रहा था, जहाँ पर पहले तो उसे बहकाती है और बाद में उसे अपने पावर्स के जरिए मार देती है। यहाँ पर गाड़ी में बैठा डेथस्ट्रोक उसके आते ही उससे बातें करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें पॉलिटिशियंस, कार्डिनल्स और किंग्स, ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स दे सकता हूँ जो तुम्हें अभी तक मिले नहीं होंगे। इस पर वो कहती है, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ। इस पर डेथस्ट्रोक कहता है, क्योंकि तुम अकेले उन सभी को नहीं मार सकती। तब थोड़ी देर बाद सिंडर भी उसका कहना मान लेती है और अभी के वक्त में हम देखते हैं कि यहाँ पर एटम पर सभी लोग भारी पड़ रहे थे और एटम चिड़ के नाक के जरिए उसके दिमाग में घुसकर उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी एटम के घर के बाहर दरवाजे पर नॉक होता है और इतना सुनते ही डेस्टो कहता है कि रुक जाओ, लेकिन जेड कहती है ऐसा क्यों, जिस पर वो कहता है नहीं ये हमारा नहीं, ये इस हीरो का मूव है। इस पर एटम कहता है मैं समझ नहीं पा रहा, इस पर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिर्फ बिजनेस है। और तब एटम बाहर देखता है कि अमांडा उसकी राह देख रही थी और उसे वो किसी भी तरह अंदर आने से रोकता है और यहाँ पर अमांडा को ये शक होता है कि वो कहीं अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे तो नहीं कर रहा, लेकिन तभी वो वहां से जाते हुए कहती है कि तुम आज रात मुझे मिस करने वाले हो, जिस पर मन में ही एटम सोचता है हाँ अगर मैं लकी हुआ तो। और वापस आकर एटम डेथस्ट्रोक से थैंक्स कहता है, लेकिन डेथस्ट्रोक कहता है कि वो मिशन नहीं थी, तुम मिशन हो, तुम्हें मारना मिशन है। और तभी जमीन के नीचे से कोई एटम को नीचे खींच लेता है और तभी हम देखते हैं ओसाइरस को, जो कि ब्राइटेस्ट डे के दरमियान फिर से जिंदा हो चुका था, जिसका असली नाम है एमोन टोमास, जिसकी पावर से सुपीरियर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, फिजिकल और मैजिकल इनवर्लेबिलिटीज, जिस पर उसे देखते ही वो चौंक जाता है और ओसाइरस यहाँ पर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे करना पड़ रहा है। एटम सोच रहा था कि ओसाइरस के पास क्रिप्टोनियन लेवल की स्ट्रेंथ है और अगर ये बच्चा बुरा बन चुका है तो पूरा वर्ल्ड खतरे में पड़ने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं इजिप्ट के कुछ डीप माउंटेन्स में, यहाँ पर ओसाइरस अनुबिस से भीख मांग रहा था कि वो टेथ एडम और उसकी बहन को फिर से जिंदा कर दे, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और उसकी पुकार फिर से फेल हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर डेथस्ट्रोक उसे अपने जाल में बहकाने के लिए आता है और वो कहता है कि टीन टाइटंस, जस्टिस लीग, यहाँ तक कि शज़ाम ने तक तुम्हारा भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा, भले ही वो लोग मर चुके हैं लेकिन मैं उन्हें फिर से जिंदगी में लेकर आऊंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और अभी प्रेजेंट डेज में हम देखते हैं कि यहाँ पर एटम अपने हाथ में चेले बीकन लेकर उसे दबाई जा रहा था लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, जिसे देखते हुए डेथस्ट्रोक कहता है तुम्हें क्या हम इतने बेवकूफ लगते हैं, और उन सभी से कहता है कि इसे खत्म करो और बारी बारी सब लोग उस पर वार करने लगते हैं, लेकिन एटम आखिरी पैतरा इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है और डेथस्ट्रोक का पैर पकड़ लेता है और उसे अपने होम में यानी कि एटॉमिक लेवल पर ले जाता है, जहाँ पर जाते ही पहले तो वो डेथस्ट्रोक पर भारी पड़ने लगता है लेकिन डेथस्ट्रोक उसे बीच में ही रोक कर पीटने लगता है और कहता है इसके बारे में सोचो बच्चे कि मैं रे पाल्मर से लड़ चुका हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वो भी जानता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते, तो ये समझ लो कि तुम्हें ऐसा कोई चांस नहीं मिलने वाला। और बाहर आकर डेथस्ट्रोक एटम का गला पकड़ लेता है और कहता है
तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो कि भीख मांगते हैं अपनी लाइफ के लिए। लेकिन एटम विल्सन का नाम पुकारते हुए गाली देता है और इसके बाद ही अपनी तलवार से डेथ स्ट्रोक एटम को मार देता है। और मरते वक्त भी एटम अमांडा को याद कर रहा था। यहाँ पर पेट्रेट पार्क में जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था, उसके दूसरे ही मॉर्निंग डेथ स्ट्रोक एक मैच बॉक्स लेकर ड्वार्फ स्टार की तरफ बढ़ता है और ड्वार्फ स्टार के मांगने पर वो उसे माचिस हैंड ओवर कर देता है। और उस माचिस को खोलते ही उसके अंदर उसे एटम की लाश मिलती है। तो इसी के साथ ये वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपकी कुछ क्वेरीज, इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।